ओम शांति। सभी दादी 2008 के इस नए साल में दादी हम सबके बीच पधारी है, हम दादी का हार्दिक स्वागत करते हैं और दादी को विश करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। और आज आप सबको पता है दादी जी का जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे टू दादी जी। यू हैप्पी बर्थडे टू यू दादी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सबके तरफ से दादी जी का गुलदस्ते के द्वारा हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे। तब तक ये सुना दो, आप आपके पास है, आपके पास है? अरे बहन, दादी जी आपका हार्दिक स्वागत है। और अब नितिन भाई, डॉक्टर प्रताप को यहाँ सामने बिठाओ। हम सबके तरफ से नितिन भाई स्वागत गीत गाएंगे। यहाँ यहाँ बिठाओ। ओके गणेश युवा के, आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए जानकी दादी जी हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए जानकी दादी जी हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बाजीबा आपके आने से दादी जी यहाँ आई है खुशी की बहार। यहाँ ऐसी खुशी है कहाँ। बाजीबा आपके आने से दादी जी यहाँ आई है खुशी की बहार। यहाँ ऐसी खुशी है कहाँ, ऐसे बार बार आप यहाँ आते रहिए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए जानकी दादी जी हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
बाबा मिला, दैवीय परिवार मिला, क्या खूब रूहानी प्यार मिला, ऐसा प्यार है कहाँ। बाबा मिला, दैवीय परिवार मिला, क्या खूब रूहानी प्यार मिला, ऐसा प्यार है कहाँ। लुटा रहे हैं दादी जी वो प्यार, बाबा का स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए जान की दादी जी हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। लाउडली यस। खिल गए चेहरे देखो सबके खिले, फूल है देखो जैसे खिले, महफिल बना गुलिस्तान। खिल गए चेहरे देखो सबके खिले, फूल है देखो जैसे खिले, महफिल बना गुलिस्तान। दुआ करूँ खिले रहे जो सबका यूँ चेहरा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए जान की दादी जी हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वेलकम। सभी एक साथ कहें हिंदी में स्वागतम स्वागतम। दादी जी स्वागतम। तो अभी हम सब पहले बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद आज हमारे जिम राइन भाई ने बहुत कुछ प्रश्न निकाले हैं जो दादी जी से पूछेंगे और दादी जी उसी अनुसार उत्तर देंगे। पहले बाबा की याद में बैठते हैं। अभी याद में नहीं बैठो, 7:30 बज जाएंगे। अभी शुरू करें। दो मिनट बाप। Thank you.
Shanti Daddy, thank you for being here. Commander of the Shiv Shakti Pandav Army. Supreme Commander, we should say, really. Eh? Daddy, we've had a very rich experience from Sudesh Ben about subtle experiences. I was just thinking, Daddy, as we were sitting here... Yeah, I need to translate for Hindi for Daddy. Kaha ke Daddy ka dhanyavad, welcome Daddy. Aur abhi aapse pehle humko bahut achha rich experience mila avyakt stage ka interview se. Daddy, what was filled as you sat down in meditation just now? How were you aligning yourself subtly? What was filtering through into your consciousness? Yeah. How were you tuning in, or were you tuning into the to the audience here? What was happening on the subtle mechanism of Daddy Jenki's mind? Yeah, Daddy se prashna pucha ki Daddy ji, abhi aap jab sabha mein aaye, yahan baithe, yog kiya. आपके मन में क्या चल रहा था, सूक्ष्म में क्या ऐसे आपने अब ट्यून किया बाबा से और इन सभा से, क्या सूक्ष्म में आपके अंदर वृत्ति में स्मृति में क्या था? तुमने क्या रीड किया मेरे को? व्हाट डिड यू फेल्ट? दो तीन दिन पहले मैंने शांति मन में इसका नाम लिया था. जिम जोकर जो है ना, वो 20 साल पहले, 20 साल ज्यादा पहले मुझे कहा था तो ट्रिब्यूनल में नहीं बैठना. बाबा ने मुरली में कहा ट्रिब्यूनल बैठेंगे, इससे मुझे मना किया. ट्रिब्यूनल में तुम नहीं बैठना. बैठे कहा तुम ट्रिब्यूनल से डरते क्यों हो? तो मैं मेडिटेशन ऐसा करूं जो ट्रिब्यूनल बैठ तो सकूं. वेरी वरीड. सो व्हाट डिड दादी से? दादी जी ने कहा तो मन में शांति वन में तेरा नाम लिया था, जो इसका रिकॉर्ड वंडरफुल है. वंडरफुल रिकॉर्ड है. तो ऐसे के बाजू बैठ करके मैं तो चढ़ गई एकदम. तो आई डोंट नीड टू ट्रांसलेट. नो डैडी, आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहते, ये तो कहते क्वेश्चन का भी जवाब देना है ना. तो दिया ने जवाब. दिस इज द आंसर. अंदर कनेक्शन, रिलेशन, कम्युनिकेशन बाबा से ऐसा ऐसे करने में से. सो also is translating upstairs. So, Daddy, Baba ne jo kaha hai na, sekar vyarth na jave, bhagwan ki ye meharbani hai, vyarth nahi jata hai na, to jis ghari main yaad mein baithu kyun, baba ka kaam hai hamare paas aa jana, main kyun koshish karu? Uska kaam hai, aap itna khush baithe ho. बाबा कहते हाँ हाँ भले खुश रहो, सदा खुश, सदा याद रखो खुश रहो. ओके, थैंक यू. ठीक है, एनीथिंग यू से. फिर बताती हूँ. सेकंड में समय इतने समाने का अक्ल होना है चाहिए. सेकंड में समाने पर चिंतन में रहने की आदत वाला जो है ना, याद में एक बैठेगा, एक मिनट में याद में बैठने का भी एक मिनट देवे नहीं, टाइम नहीं है उसको. अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. डैडी, ये क्या करता है, कभी क्वेश्चन मुझे पहले नहीं देता है. लंदन में भी ऐसे करता है, कहता है उसी घर ही पूछूंगा. अच्छा, भले जो भी करो. अच्छा, टीचर है ना. आई डैडी, आई सेंट देम टू यू सटली, यू डिडंट यू पिक देम अप? सूक्ष्म में आपके पास क्वेश्चन भेज दिए थे. उसने कहता है सूक्ष्म में आपके पास क्वेश्चन भेज दिए थे. ठीक है, अभी इस तरह से पार जाना है ना. सूक्ष्म में जितना समीप होंगे ना, तो जो बाबा ने कहा है ना, मनसा सेवा और कर्म में संबंध में सेवा, वो जी अच्छी तीव्र गति से होंगे. बहुत अच्छा. आवाज में कम आना, सूक्ष्म गुड विशेष जो है ना कैच करना. दिस इज रियली अबाउट माय नेक्स्ट क्वेश्चन रियली व्हाट समवन गेव मी. अंटिल वी बिकम सटल डैडी, कैन वी ट्रूली रियलाइज एनीथिंग ऑफ ज्ञानम बाबा?
and put connected with that, is it possible to love God without being subtle? जब तक हम सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जावे कैसे यानी कैच कर सके यानी कैसे वो होवे जो हम सूक्ष्म स्थिति में पहुंच करके वो बात को कर सूक्ष्म अच्छा या सो जिम वंस अगेन रिपीट द क्वेश्चन Until we become subtle can we is it really possible to realize anything of gyan and baba and is it possible to love God without being subtle yeah kya ye possible hai ke bina sukshm hue bina jab tak hum us realization mein pahunche bina sukshm hue kya baba ka hum anubhav kar sakte hain acha theek सूक्ष्म हर आत्मा के अंदर हर आत्मा को कोई रिलेशन कनेक्शन जरूर चाहिए अगर जिस गरी आत्मा को बाबा का परिचय मिला रिलेशन ऊपर से हुआ कनेक्शन हुआ तो वास्तव में बाबा मूल में समझाता सेकंड की बात है सेकंड की बात है फिर क्या है सूक्ष्म जो अनुभव हुआ ना अच्छा लगता है बड़ा अच्छा अनुभव हुआ अभी इसको ज़्यादा मुझे समझना है इंटरेस्ट पैदा हुआ पर और उसको प्रैक्टिस किया तो अभी मेरे से एक जब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं मैं कह तीन बातें रखे ना तो जल्दी मोटी मोटी बातें माइन माइन बात में जाएगा सूक्ष्म बुद्धि क्लीन हो जाएगी लाइन क्लियर हो जाएगी उसमें जब भी बात समझ में आई ना और डीप उसको समझने की कोशिश हो जाती है पर संग मिलने से प्रैक्टिस हो जाती है तो अंडरस्टैंडिंग कंपनी और प्रैक्टिस तीनों बात इकट्ठी होने से सुख निमित्त कानों द्वारा सुनेंगे परंतु दृष्टि द्वारा रूहानियत तक के वाइब्रेशन खींचेंगे जब रूहानियत के वाइब्रेशन खींचते हैं तो बाबा बहुत अटेंशन से प्यार अंदर सूक्ष्म देता है प्यार से पवित्रता शांति खुशी का अनुभव होने से हमारी कमजोरियां चली जाती है फिर शक्ति आ जाती है शक्ति हुई सूक्ष्म अनुभव हुआ शरीर में होते आत्मा को शांति का खुशी का सच्चाई का अनुभव हुआ ना तो वो शक्ति फिर आगे बढ़ाती है ओके अच्छा ऐसे नहीं आंसर सुनते क्वेश्चन निकालता रहो मैं आंसर सुन रहा है ना ध्यान से चेंजिंग Daddy, once I heard you say, if there was a disaster in the world, it was your duty that you would go there immediately and to give support. Can you tell us more about this? What is your consciousness? What do you see? What do you do in that aspect? आपने एक बार ही कहा था कि जहाँ भी कभी किसी प्रकार का डिजास्टर होता है कुछ ऐसी परिस्थिति सिचुएशन होती है तो आप समझते हैं ये आपका कर्तव्य है कि वहाँ जाना तो आपके उस समय क्या क्या फीलिंग होती है क्या कॉन्शियसनेस होती है किस भावना से जाते हो आप सुनो अच्छा मैंने प्यारे बाबा को देखा है बाबा यह रहता यहाँ है निमित्त मात्र परंतु सेवा के अर्थ विश्व भर की जहाँ भी वायुमंडल कुछ दुख का शांति का हो जाता है बाबा पहुँच जाता है क्योंकि बाबा अपने आप को हदों से पार रखा है तो हदों से पार रहने के कारण बाबा को साकार में होते ही देखा है बाबा यहाँ है नहीं बाबा कहाँ हो बच्चे बाबा यहाँ थोड़े ही है बाबा तो सारे विश्व के आत्माओं का कल्याण करने वाला है ना पर इसमें बाबा कहता था
उसके संग में रहते रहते इसको भी आदत पड़ गई है, क्योंकि वो तो सफरी है, भगत पुकारे या बच्चा पुकारे जाता हाथ रो जाता है, इसलिए तन में सारा दिन नहीं बैठता है। हम बाबा सारा दिन क्यों नहीं बैठा, नहीं नहीं बैठे ना तो ये जो है ना बहुत तक सहन ना कर सके, इसलिए भले थोड़ा घूमे फिरे बाबा जहाँ चाहे वहाँ चाहे, मैं अकेला फिर बाबा को याद करके अच्छी तरह से थोड़ा शिवा बाबा ये भी रिहर्सल कर रहा था ना, तो हम बच्चों ने बाबा को देखा है ना, ये भी बाबा को देख कर रिहर्सल की हुई है ना, तो ऑटोमेटिकली मैं ये भी बताती हूँ, मैं टीवी कभी नहीं देखती हूँ, अखबार भी नहीं पढ़ती हूँ, कोई संसार समाचार सुना है तो सुनती नहीं हूँ, का ये टाइम नहीं है, उसके पहले वहाँ पहुँच जाना हमारा हाजिर है। तो बाबा को जैसे वो सुखी मतलब टीवी है ना, सब समाचार बाबा को जल्दी पहुँच जाता है ना, हमारे पास भी पहुँच जाता है, नहीं खींच होती है, निमित्त मात्र यहाँ है, पर बाबा ने कहा वार वार रोज कह रहे विश्व की बादशाही दे, बाबा विश्व की बादशाही भले नहीं दो देंगा जरूर ऑटोमेटिक देंगा, पर मैं कोई उसको सामने नहीं रखती हूँ। उसमें मम्मा को एक बारी कहा था, मैं थोड़ा बताती हूँ, मम्मा आपको खुशी है मैं लक्ष्मी नारायण की बन रही हूँ, मम्मा ने ऐसी आंख दिखाई, बात मत पूछो, ये कोई अभी की बात वह यहाँ थोड़ी करने की है, वो तो वहां की बात है, यहाँ तो ऐसा दिखाया, वो तो जैसे पीछे की नीचे की स्टेज है ना, तब मैं मम्मा का जो पुरुषार्थ था ना एकदम संपूर्ण बनने का, अव्यक्त बनने का, तो हम भी मम्मा पापा से सीखे है ना, सत्युग ऑटोमेटिक राजा ही हमारे हाथों में आने वाली है, पर किस तरह से आएंगी, ऐसा सेवा सच्ची दिल से सारे विश्व की सेवा करो तो विश्व सारा स्वर्ग बन जाए। ओके ठीक है, नो तुम भी ऐसे really. करता है ना, रियल बताओ डैडी, सेवा साथी होना शुरू से करो, बट could you be more specific, tell us more detail about these when you go, because you say that you serve and you go, but what is your consciousness and what do you see and what are you doing, are you doing anything with your kaha ki aap thoda specific vishesh batao samjho us samay aapki bhavna kya hoti hai feeling kya hoti hai consciousness kya hai aise samjho general nahi specific vishesh batao us samay kya consciousness hai to ati sukhyam baatein shabdon mein sunana pantu aap samajh to sakte ho meri baat ko dil ko अच्छा फिर भी शब्दों में आती हूँ अच्छा ये अपने बुद्धि को एक पुरानी बात है बहुत बाबा ने कहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह होता है ना उनका जो टेलीफोन वगैरह कोई इंगेज नहीं कर सकता है ऐसा एकदम सदा क्लियर होवे कोई भी बीच में तो बाबा ने बहुत साल पहले बाबा ने बोला था तुमको ये डर यानी ध्यान रहता है मेरी बुद्धि का एंगेज न हो कहाँ एंगेज होंगी भगवान को कोई काल आ जावे मैं मिस करूंगी तो बाबा आंख दिखाएगा बाबा कहेगा तुमको जो अव्यक्त बाबा ने भी कहना जैसे ब्रह्मा बाबा सदा अलर्ट रहा तो हमको अलर्ट रहना है बाबा ने कहा अलर्ट जो नहीं रहता है माना सम केयरलेस है जो केयरलेस है ना वो कभी ऐसी सेवा नहीं कर सकता है तो ये जो बाबा का फॉलो फादर कहने में या बाप सम्मान बाबा भले बाबा है पर कोई हमेशा बाबा के गुणों को देख करके शिवा को देख करके अगर मैं आत्मा ऐसे फॉलो करती हूँ तो बाबा बड़ा खुश होता है तो मैं सिर्फ और कुछ नहीं कहती हूँ मैं बाबा के सामने हाजिर रहूँ जब भी खींचे ना तो बाबा को खींचना न पड़े मैं हाजिर पहले रहूँ ये भी भाग्य की बात है साकार बाबा को कभी मुझे बुलाता नहीं था हाजिर हो गई तो बाबा के सामने शिवा रखी है जनक ये का जी बाबा बुलाने से नहीं कभी गई होंगी
हाजिर हो जाऊं, पर बुलाएंगा मधुबन में कभी भी बुलाएंगा, कैसे भी सेंटर पर होंगी, काम पर भी होंगी, वो वहाँ से भाग करके पहुँच जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने वरदान दिया था, तो मैंने कहा बाबा विदेश में बम बम फटेंगे, पर मैं कैसे वहाँ रहेंगी। कहा तुम ये चिंता मत करो, जब बम फटेंगे तुम यहाँ आ जाएंगी, समझा। तो बाबा ने पहले भी एडवांस में बता दिया है। तो रिक्षक शिक्षक हमारा रिक्षक है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है। बम भी बट जाए, आगे मैं ख्याल करती थी मैं भारत में सही छोड़ूंगी, अभी कहती हूँ इंग्लैंड में भी छोड़ा तो कोई हर्जा नहीं है, अन्य को की सेवा हो जाएंगी। तो चिंतन से फ्री है ना, सूक्ष्म कॉन्शियसनेस में कोई चिंतन थोड़ा भी करेंगे ना तो बाबा कहेंगे मेरी लायक बच्ची नहीं हो, तुमको किसने छुट्टी दिया है, तुम बैठ कर ये चिंतन करो या मुख से ऐसी बातें करो, ये मन है भगवान की मेरे को, बस कोई करते तो मैं सुनती नहीं हूँ। अच्छा चार्ट में बताओ, जैसे उसको खुश करने के लिए, पर अंदर से बाबा ठीक कर देता, मैं काहे को फिक्र करूँ। ओके थैंक यू। अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल, एक मैं पूछती हूँ, कॉन्शियसनेस जो है ना उसका हिंदी में क्या शब्द बोलेंगे? वैसे कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस को
चेतनता, चेतना कहते हैं, यानी स्मृति का स्मृति भी है। बस मुझे ये क्वेश्चन था, सदाई आत्ममानी रहने की, बाबा की स्मृति हमारे कॉन्शियसनेस में रहे, तो जैसे याददाश्त शक्ति किसकी अच्छी होती है ना, तो जैसे मेमोरी कुछ अच्छी है ना, तो टाइम पर जो जरूरी बात है वो मिस नहीं होगी उनसे। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। मैंने, मुझे याद है कहाँ कोई साइंस वाले थे, कॉन्शियसनेस को बड़ा स्पष्ट कर रहे थे, मेरे से करा रहे थे, तो मैंने उस बात को अच्छी तरह से याद आया। चिल्ली में ये काला प्रेमी चला था, क्यों वो सोल परमात्मा को या नहीं, पर कॉन्शियसनेस को समझ रहे थे, मान रहे थे। तो हमारे कॉन्शियसनेस में जो आत्मा परमात्मा और कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान है ना, वो बहुत बहुत ऑटोमेटिक नेचुरल साथ देता है। परंतु पुरानी बात, मिट्टी नहीं है ना, या और किसी का पार्ट में दिख रहे हैं, तो अपने पार्ट को जान। बाबा कहते हैं आत्मा तो अपन को जान, परमात्मा को जान, फिर बाबा याद दिलाता है हमारे पार्ट की स्मृति। अगर हमारे पार्ट की स्मृति सारा दिन रात आत्मा को स्मृति याद दिलाता है, मुरली द्वारा बुद्धि क्लियर रहती है, बस याद आता है मेरा ऑटोमेटिक। जैसे कल्प पहले का जो किया हुआ है ना वो कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा कल्प पहले कहता है, कल्प पहले जो किया है वो किया, बाबा ये मुरली जो बड़ी अच्छी चलाई, हाँ कल्प पहले चलाई, बाबा ये फिर रिपीट, बच्ची गोल्डन वर्ड्स, नो रिपीट, नेवर रिपीट। तो ये जो डीप ज्ञान ड्रामा का है ना, तो जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा सुना रहा है ज्ञान बाबा को, पर बाबा ने मंथन करके अमल करके हम लोग को जो सुनाता है, ऐसे हम ज्ञान को अच्छी तरह से मंथन करके अमल में लाए ना, तो कॉन्शियसनेस जो है ना हमारी ऐसी क्लियर है, जो कभी भी लगेगा नहीं, जो बॉडी कॉन्शियस की वाइब्रेशन या वायुमंडल या कोई व्यक्ति की या वैभव की कोई आकर्षण नहीं। क्योंकि मैं एक कल परसों दादी गुजरा कर रुआ कर, हम इतने रॉयल है, इतने रियल है, हमारी कहाँ पर भी आँख नहीं डूबती। दुनिया वाले ये भी अच्छा है, ये भी कभी नहीं कहेंगे ये अच्छा है, ये फलाना बड़ा अच्छा है। ये सूक्ष्म है ना कॉन्शियसनेस में पुरानी आदत है आकर्षण की या उलझन की, घर अंदर मुंझ जाएंगे या खींच जाएंगे, इनसे मुक्त होना ये है भाग्य की बात। पर उनसे जो मुक्त है ना वो फ्री है, कोई भी बात अंदर पकड़ के नहीं बैठी है। तो बाबा फ्री होने से, जो बाबा ईश्वर की संतान हूँ, ब्रह्मा मुखमंड सवली हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण का पार्ट है हमारा, बाबा निमित्त ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो निमित्त भाव से, जैसे फिर दादी हमारे पास मिसाल है ना, और आप लोगों दीदी को भी देखा था ना, अभी कोई प्रोग्राम रख रहे हैं जनवरी मास में, जिन्होंने दीदी से मिले थे उनका अलग ग्रुप का पार्ट है, रखी बठी रखी है, पता है गीता मैन। अच्छा, फिर मैं जो दीदी से मिले हैं ना लंदन में भी बताऊंगी, उनकी स्पेशल बताया था, दीदी से जो मिले हैं ना उनको बाबा की दृष्टि का अनुभव ऐसा शुरू से पड़ा है, जो कभी भी उनकी दृष्टि वृत्ति खराब नहीं हुई है ना, इसको अनुभव है ना। कॉन्शियसनेस ऐसी पावरफुल, अच्छी, बिल्कुल रियल लगे, मैं आत्मा परमात्मा की, ये सब आत्माएं है ना, एक परिवार है ना, आज बाबा का बच्चे इतना परिवार है ना, फैमिली है ना, हद्दे नहीं है कोई भी,
अच्छा निद्रा भाई देखो लेट आता है अभी क्या करूँ, बैठाओ डॉक्टर प्रताप बाजू में। अच्छा हाँ बोलो बाकी। ओके 10 मिनट। हाँ ओके दादी थैंक यू। Daddy, you mentioned the word awareness, and maybe this was connecting with another aspect. In the West, is a very attractive theme is intuition. Is there a place for intuition in working subtly, or is intuition really a part of back to your old thinking, and we replace it with awareness? Is intuition a lower aspect of subtle awareness? आपने स्मृति की बात सुनाई, अवेयरनेस की बात सुनाई, तो इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है। विदेश में इंट्यूशन यानी मतलब ऐसे सूक्ष्म कोई चीज समझो टच कर रही है, इंट्यूशन, तो ये समझो उनकी भावना है या क्या, ये इंट्यूशन कैसे, उस पद के बारे में पूछना। दोनों प्रकार की होती है, बुरी भी होती है अच्छी भी होती है इंट्यूशन, यानी मतलब उसमें दोनों भी होती है। आज मेरे को किसी ने बड़े प्यार से एक है इंटेंशन, इंटेंशन अलग चीज है, वो भी भावना या इंट्यूशन यानी इंट्यून। हिंदी में बताओ शब्द। या शब्द जो है कि जैसे है ऐसे, जैसे प्रेरणा, इसी हिसाब से जैसे अंदर से अंदर से प्रेरणा, प्रेरणा नहीं बोलो, अंदर में जो भरिए वो ही बार बार अंदर आवे या अचानक आवे, अचानक जैसे अंदर ऐसे विचार ऐसा आया जैसे कि कोई ने टच कर दिया, इंट्यूशन। अच्छा इसमें ये शरीर हमारा पुराना है, आत्मा भी अनेक जन्म लेकर के अभी अंतिम जन्म में आई है। अगर हमारा अंतिम जन्म है, घर जा रहे हैं, सत्युग आ रहे हैं, उसके लिए बहुत काल से बुद्धि योग ठीक है, वाणी कर्म भी ठीक है, तो हमारे इंट्यूशन में ये भर जाता है। नहीं तो मिसला तौर किसी ने बाबा के मिलने के बाद रियलाइजेशन लिखा, कहा बहुत अच्छा रियलाइज हुआ, बाबा ने कहा रिवाइज करो रियलाइज करो, अच्छा हुआ, परंतु फलानी बात जो मेरे साथ हुई है ना, वो सूक्ष्म अभी तक भी घड़ी घड़ी इमर्ज हो जाती है, उसके लिए कोई साधना बता दो। तो सूक्ष्म जो है ना, समझो प्रैक्टिकल था, समझो किसी ने सर ही छोड़ा, उनके साथ उसका कोई फिजिकली नहीं भी था पर आत्मा अच्छी थी, बड़ी बड़ी याद आती है, मैं चाहता हूं नहीं याद आवे पर वो आत्मा अच्छी थी। तो जितनी बाबा की मैं उम्मीदें पूरी कर सकता हूं उसमें मैं समझता हूं ये संकल्प जो है, ये जो मेरे अंदर ख्याल आता है उसको क्या कैसे मिटाया जाए। फिर बाबा को लिखा है, बाबा जानकी दादी जो है मेरे बहुत उम्मीदें रख करके बैठी है, मैं उसकी उम्मीदें पूर्ण करनी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ उसकी उम्मीद मैं नहीं पूरी करूँ, पर बाबा मैं जानकी दादी को आप बता देना मैं करूँगा पूरी, पर मेरी अंदर की बात बाबा आप मिटा दो। तो जो कोई भी कहाँ पर भी रग जाती है, लगाव है, ये है, रियलाइजेशन से उनसे फ्री होना ये चाहिए रियलाइजेशन। जो सूक्ष्म चेक करे, बाबा ने कहा चेक करने का भी टाइम अपन को अच्छे प्यार से देना चाहिए, चेंज होने के लिए चेक करने का टाइम देना चाहिए। रियलाइजेशन माना ज्ञान को रिवाइज पहले करना है, सूक्ष्म पुरुषार्थ कहता है ना, सूक्ष्म जब तक रिवाइज करें, पर रियलाइजेशन में अंदर चेक करें, तो ये जो बाबा ने जो कहा मेरी लाइफ में है, नहीं है लाइफ में, बार बार कोई न कोई बात मुझे खींचती है या याद आती है, तो ये आदत बहुत कुछ कमाई को मिस कराती है, ऊंच आगे जाने नहीं देती है। उसको रियलाइज करके खास उसके पहले पर हम उस खास योग करते हैं, पहले पहले शुरू में कोई भी अंदर
खास मेरे अंदर पर्सनल वीकनेस है अंदर पावरफुल योग, ताकि वो मेरी चली जाए, ताकि ये बात कमजोरी या कमी अंत तक मेरे को विघ्न, पहले थोड़ी थी, आगे बढ़ेंगे ना वो विघ्न रूप बन जाएंगी और सामने वो दीवार के रूप सामने आ जाएंगी। लगाएंगे योग बाबा से और वो सामने बात आ जाएंगी, क्योंकि चेक करके चेंज नहीं किया अंदर अपने आप को, बुद्धि को क्लीन करके बाबा के याद में मेरी लाइन ऐसी क्लियर हो, सुख शांति में संपन्न होती जाऊं, पर औरों को वाइब्रेशन मिले अंदर इंट्यूशन में, ये अंदर बात नेचुरल होवे। अगर उसमें नेचुरल नहीं है, कुछ मिक्सचर है, बार बार कोई समझो अपना जो चलन है, बाबा ने ध्यान खिंचवाता है अपने चलन से सेवा करो, पर चलन से आवाज से बात करना, लंबी बात करना, लंबा सोचना, तो जैसे बाबा की वो जो हमारे उम्मीद है उनसे बहुत दूर है वो आत्मा, तो वो जो दूरी है ना, वो समीपता का अनुभव न होने के कारण बाबा की अंदर प्रेरणा को नहीं खींच सकते हैं। बाबा मेरे से क्या चाहता है वो लक्ष्य सामने एकदम क्लियर होवे, ये पहुंचना है, ये पहुंचना है, ये पहुंचना है, बाकी सब बात अच्छा। जिसको इंग्लिश शब्द मुझे अच्छा लगता है, इग्नोर करना, अवॉइड करना, जो नकाम की बात है, तो वो पहले किसको फीलिंग आएगी ये बात ठीक है, मेरे काम की बात नहीं है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अंदर सुख्यम बुद्धि में मुझे जरूरत नहीं है, पर कोई बात ऐसी कोई समझेगा नहीं जरूरत, उसको योग इसमें बताती हूँ, कोई कहेगा फलानी बात में मुझे या फलाने को योगदान दे, मैंने कहा तुम्हारे कहने से कोई योगदान नहीं होगा। वो आत्मा भी भावना से बाबा को सब, तो बाबा उसको देगा, मैं निमित्त सिर्फ उस आत्मा का अटेंशन बाबा की तरफ हो ना कि मेरी तरफ हो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा कहता है इसके शरीर को नहीं उसको याद करो, नहीं तो इसका शरीर द्वारा भी हमको बहुत ताकत मिलती है, पर मैं कह मुझे आज उसकी योगदान देना है, तो क्या मैं योगदान देंगी क्या, जिससे योग लगाते वो देगा मैं देंगी, ये अति सूक्ष्म है, कोई भी प्रकार का कहाँ पर भी हमारा लगाव न हो, ये हर एक को सच्ची दिल से ध्यान देना है, उनसे साहेब भगवान हमको बहुत इतनी मदद करता है, बात मत पूछो। हम थोड़ा थोड़ा संकल्प जो है ना शुद्ध श्रेष्ठ अंत तक स्थिति ऊंची रहे, जो बाबा ने कल बोला ब्रह्मा बाबा को ये सदा ध्यान रहा है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो आज सवेरे क्लास में नीचे बोला था, हम क्लास में लेट आने की आदत है, सुबह को कभी उठने की ना उठने की आदत है, ये ऐसे ही है, जो कर्म मैं करेंगी मुझे देख और करेंगे। अंदर सूक्ष्म हो, कुछ भी हो जाए, कुछ कोई भी कारण हो, पर मेरे को जो नियम बन के मिला है उसी पर चलना है, मदद मिल जाती है, शरीर की मिल जाती है, संबंध में सब कुछ हो जाता है, सब काम हो जाता है, कोई भी नहीं कि मेरा ये काम था रात को लेट नाइट किया, क्या जरूरत है, चलो लेट नाइट किया तो उसमें किया तो सुबह का सवेर मिस क्यों किया। तो छोटी सी बात में भी अपन को लूज रखना, जैसे एक बार बाबा का स्क्रू लूज होता है ना, तो सिर्फ लूज है, मशीन नहीं चलेंगी, इसको टाइट रखो, इतना ही टाइट रखो, नहीं रखेंगे ना तो लूज होगा, तो कई बार कभी एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और आत्मविश्वास कम हो जाता है। बाबा से मदद लेने का जो लिंक है ना,
जुटी नहीं रहती है, तो ये भी तो ध्यान रखना है मेरी बाबा से लिंक तो जुटी हुई हो। कभी भी क्या शूज वायर तो ना हो जावे ना, अंधेरा तो ना हो जावे ना। दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, हम दुनिया के अंधेरा मिटाने वाले हैं, तो हम तो इन तरह अंधेरा मिटाने वाले को बड़ा ध्यान रखना है। यानी एक वरदान मैंने पढ़ा, सिर्फ तो अपन को जो रिस्पांसिबल समझता है ना भाई, ये हमारी जिम्मेवारी है, अभी उसमें एक्यूरेट रहना है। तो बाबा हमको जिम्मेवार निमित्त बनाता है, बना के फिर लाइट बना देता है, हल्का बना देता है, माइट इतनी देता है, जैसे सरता में ताज वो नहीं है, लाइट रहने का ताज है, लाइट रहने का ताज है। तो कभी सर भारी नहीं हो सकता ना, समझा? ओके, फिनिश। क्वेश्चन है, वन लास्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन डैडी। If you were to just give one single piece of advice, you've given us a treasure store this evening, but if there was one thing, one single piece of advice to help us to be more subtle and to increase our subtle awareness, what would it be? That one piece of advice that we could take away now at this moment? कहा दादी, आपने हमको बहुत अच्छा खजाना दिया, बहुत मूल्यवान खजाना दिया, अभी सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट एक एडवाइस दो सूक्ष्म स्थिति में स्थित होने की। एक एडवाइस सिर्फ। कौन सी? Just one. एक बात, सिर्फ एक बात संक्षेप में, इतना सारा खजाना डिटेल में दिया। Not two, daddy, but one. एक शब्द में बताऊं? एक शब्द में, हाँ, एक शब्द में। सेकंड में फुल स्टॉप। थैंक यू। ये अक्ल जिसको आया ना, फुल स्टॉप देने में कोई देना नहीं पड़ता है, बिंदी लगानी नहीं पड़ती है, सेकंड में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो रहा है पर अंदर से इतनी पावर है, उसको कोई सोचने न देवे, बोलने न देवे, शांत, अंदर से ऐसी पावरफुल स्थिति हो। जो मैं हमें सुनाती हूं, बाबा ने पहला अनुभव ये करा, उस गला बंद, कुछ बोल न सके, बाबा कुछ बची जरूरत है, कुछ पूछन, कोई क्वेश्चन है, कभी बाबा से कोई क्वेश्चन पूछ न सके, सब आंसर दे रहा है, सब समझा रहा है, फिर भी अंदर क्वेश्चन उठाना, संशय उठाना, ये अभिमान की निशानी है। तो सच्ची दिल से दही अभिमानी रहने वाला सेकंड में नेचर शांत होता है, पर अशांत को शांत करता है सेकंड में। खुद तो ना शांत, पर शांति की शक्ति उनके पास ऐसी है, जो सामने बैठे हुए कोई करता है, पर दूर बैठे हुए लोग अनुभव होता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। बस बाबा का प्यार का, लाइट का अनुभव। अगर फुल स्टॉप नहीं देते हैं ना, बात को थोड़ा लंबे सोच, थोड़ा लंबा सोचा ना, फेल। अंदर गुप्त कहते नहीं भी, क्योंकि सत्य धर्म सत्य राज स्थापन कर रहे हैं, उसकी शक्ति बाबा की मिल रही है, सब कार्य बाबा कर करके दिखाया है, पर हमको सोचने की यहां जरूरत नहीं है। सेकंड सेकंड जो बाबा ने समझाया, जो हो रहा है अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा और अच्छा होगा ना, गारंटी है ना। तो ऐसी गारंटी वाली बात जो है ना, बिल्कुल रॉयल है। जैसे बाबा से वर्षा यही तो मिला है, बाप का वर्षा है ना हमको, पर वर्षा बाबा कहता है उसको देता हूं जो अधिकारी है।
समझा? थैंक यू. एक सेकंड में साइलेंस. किसने ये अच्छी तरह अनुभव किया है, समझता है ऐसा मैं लाख बच्चा बाबा का हूं? कौन है? हाथ उठाओ. संभालना समझता. हाँ, हो सकता है बाबा ने कहा मत से गिफ्ट ले लो ना, भले ले लो, बाबा प्यार से देंगे. हाँ, हो एवरीथिंग पॉसिबल है. कोई भी ऐसी बाबा से ये बाबा बच्ची तुम जी बाबा बाबा कह तुम बैठ जाओ. कहीं का एक बारी मैं मधुबन नर्स डिपार्टमेंट में थी, तो नर्स डिपार्टमेंट में जिम्मेवारी सब एक्यूरेट टाइम पर चाहिए, तो बाबा ने बुलाया कमरे में, बिठा दिया, देखा इसका चिंतन तो नहीं चलता है बाहर जाने का. पांच मिनट दस मिनट आई तो सब छोड़ के आई, पांच मिनट दस मिनट आधा घंटा मुझे मौज हो गई बाबा के पास बैठी हो. तो मेरे को कहा तुम ऐसे निश्चिंत कैसे बैठ गई? मैंने कहा भक्ति में कहते थे तुम भगवान के सामने बैठो, भगवान तेरे बच्चे का झूला भी आप ही झुलाएंगा. अगर वो दिन मेरे सामने आया है तो मैं काहे को सारा काम संभाल लिया था सब. ये तो बाबा के पास बैठी है ना, छोड़ो, सब संभाल लिया था. मैं गई ना बाहर, सब पूरा कर दिया था. यही तो मजा है. मैं बेफिक्र बादशाह गुरदास दादी कहती हूँ कुछ, बाबा मेरे लिए कुछ कहता है, कहते हैं बाबा ने कहा है तुम बेफिक्र बादशाह हो. अच्छा, ओके. और शुरू में जब ज्ञान में आए ना, बाबा ने कहा तुम्हारे से कोई पूछ तुम कहाँ रहती हो? मैं बेगमपुर में रहती हूँ, बेगमपुर में रहती हूँ जहाँ गम होता ही नहीं है. समझा? ओके. बाकी कहेंगे ये बात है तुमको सुनाती हूँ, बाबा बता देना फलाना ये करना, लंबा लंबा चार चार पेज लेटर आएगा. चलो भगवान बताए मैं इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखी. जब ये लोग थे ना वहाँ टेंशन रोड में, तो चाली जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो कहा फिर मैं क्या करूँगा तेरे पत्र, मैं तुम पत्र लिखना ना, मैं तुम्हारा पत्र का पढ़ेंगी? हाँ मैं पढ़ेंगी. तब से लेकर के किसका पत्र आता है मैं आंखों पढ़ती हूँ, जॉब भी दे देती. तो कैसे हुआ? ओके, ठीक है. अच्छा, आपस में प्यार होवे, सच्चाई का, उन्नति का याद रहे. हमारे एक दो के संगत कितनी उन्नति हुई है, अटैचमेंट नहीं पर उन्नति बहुत हुई है. डॉक्टर उन्नति हुई है ना, कैसे यह सामने पहुंच गया, कितना प्यार है. ओके, अच्छा भाई. अच्छा, आज दादी हमें ड्राई फ्रूट का पैकेट देती थी नए साल का, तो मुनि बहन ने रखवा लिया है, तुम जाकर देना, वो देंगी आप लोगों को. मैंने कहा ब्लेसिंग भी, भले सुदेश मैंने कल दिया है, आज ब्लेसिंग भी देंगे. और टोली एक छिपा के रखी थी, वो भी देंगी अभी. जो नियम है ना, ये नियम है ना, कर्ण पालन करने है ना. ओके, ओम शांति. भाई ये उठा दो, देखो खांसी नहीं आई. कितना जैसा वैसा एक घंटा हुआ है अभी नहीं आई, कितना अच्छी अच्छी बात है. It's my vibrations, daddy, helping you. जिम तुम तो परान बहुत सुनाओ, इसको कभी माया नहीं आई. ये इसको कभी नहीं आकर बताएंगा ये माया आई है और न स्वार्थी है. इसको बाबा की याद ऐसी जन्म से ही, इसके माँ ने ही कह दिया था ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो भगवान ने आया है या भगवान के देने के लिए. ऐसा है ना,
तो पूर्व जन्म में ऐसा बीज बोरा है बाबा का, जब से पैदा हुआ है कभी इसने सिर नहीं खपाया है, नहीं कुछ रहता है। न कि किसका बोझा सिर पर रखता है, न किस पर रखता है, न किस पर बोझा है ये। ओके ओके थैंक यू थैंक यू शांति। Brother Niranjan from Global Hospital is here and we'll have some yoga just to finish off with, and then Daddy will give toli and blessings on stage, and there'll be some announcements about your program tomorrow. So we'll just have a few minutes of meditation. आपका क्या कहना, ओ दादी जी आपका क्या कहना, तेह दिल से कहें यूं ही संग रहना, हाँ जी संग रहना, ओ दादी जी आपका क्या कहना, तेह दिल से कहें यूं ही संग रहना, हाँ जी संग रहना, ओ दादी जी आपका क्या कहना। को जो प्यार दिया उस प्यार से खिल गया मन आंगन, आप बाप समान करते आदर सब को लगता है अपनापन, एक मीठे बोल में क्या जादू, पल में मुस्कल्ला शान करना, ओ दादी जी आपका क्या कहना। मरते दम तक यही कहेंगे सेवा में तत्पर सदा रहेंगे, आपके एहसान जो हमारे ऊपर हर हाल में उसको कर चुकाएंगे, स्नेह प्रेम की मोती
बरसाना देवी परिवार का यही कहना हाँ जी यही कहना ओ दादी जी आपका क्या कहना तेह दिल से कहें यूं ही संग रहना हाँ जी संग रहना ओ दादी जी आपका क्या कहना।